तो दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दुल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दुल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। कारण काजल क्या होता है, चिपक जाता है। जैसे देख रहे हैं यहां पर इस काजल लगाई हुई है, चिपक गया है। क्यों चिपका है? क्योंकि काजल में क्या है, असंजक बल है। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लैक्मे वगैरह में क्या रहता है, असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दुल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दुल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है, उसका असंजक बल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है, तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को, तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती, थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कैसे पोत दो, यहाँ पर पूरा बढ़िया से आँख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से टीका पोत दो कि बबुआ को नजर ना लगे, और नवरातन में तो पूरा पेट उट सब पोत पात दो। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं, इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है, तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते हैं दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है, ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है, तो लैक्मे ये सब क्या क्या आता है तो उसमें क्या रहता है, अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण। ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण। आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, ठोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है, असंजक बल। उसमें भी जो है असंजक बल, ठोड़ रंगने वाला अलग चीज है, उसको क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया, वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता हुआ रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेवड़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेफड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। इसको देखिए, इसे जरूरी लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का CBSE बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या, क्यों चिपका हुआ है, मोबिल जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है? मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है, या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है, उसमें असंजक बल की वैल्यू ज़्यादा है। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो ससंजक बल। पानी का बूंद जो है वो आपस में चिपका रहता है, किसके कारण, ससंजक। आप देखे होंगे इस तरह, इसको कई लोग रेकवच कहते हैं, आरवी कहते हैं, कोपल बोलते हैं, पता नहीं क्या, इसका पकौड़ी बनता है, मोड़ मार के खूब बढ़िया से फ्राई करके बनाया जाता है। इसमें पानी के बूंद रखिएगा ना तो ये डगर के चलाता है। बचपन में हम लोग उस पर थूकते थे, लोग थूकेंगे ना, इतना भज दे थूकिएगा इतना ना, तो उस पर डगर के चलाता था, वहाँ पर कितना भयानक थूक दिए, हुमच के खेखार थूक देंगे ना इतना एक कटोरा, तभी वो नहीं सटेगा, लफड़ा के गोल गोल नीचे चलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो असंजक बल है ना, इस पर लगने वाला, वो कम है, और ये असंजक बल ही चिपका रहा था, वही कम है तो चिपकाएगा ही नहीं।